Thakur Company Limited issued 1 lakh equity share at the rate 10 each at a premium of 2 per share, payable for application, for allotment, for final call। हो गया 12 हो गया ना। प्रीमियम किसके साथ है? अलॉटमेंट के साथ। मिस्टर ए होल्डिंग 100 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल मनी। मिस्टर बी होल्डिंग 200 शेयर्स फेल टू पे द कॉल मनी, मतलब कौन सा कॉल? फाइनल कॉल। शेयर्स ऑफ ए एंड बी फॉरफिटेड, दोनों जन का शेयर जब्त कर लिए। ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वे रीइश्यूड 9 पर शेयर फुल्ली पेड। क्लियर है? दोनों लोग का शेयर जब्त कर लिए और सारा शेयर बेच दिए। कितना करके? 9 करके। देखिए समझ में बोला क्या है? कितना शेयर इशू किए हैं? 10 लाख इक्विटी शेयर इशू किए हैं। 10 लाख इक्विटी शेयर, एक का दाम कितना है? 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2, मतलब हो गया 12 में से 4 एप्लीकेशन, 4 अलॉटमेंट, 4 फाइनल कॉल। ये जो 4 है इसमें से 2 रुपीज प्रीमियम का है तो 2 रुपीज कैपिटल का है। ठीक है, सारा शेयर बिक गया, सारा पैसा भी मिल गया। ए नाम का आदमी 100 शेयर्स खरीदा था, वो अलॉटमेंट और फाइनल कॉल नहीं दिया, 100 शेयर का फेल कर दिया। ठीक है, और एक बी नाम का आदमी जो 200 शेयर्स खरीदा था, वो 200 शेयर का फेल किया खाली फाइनल कॉल। इसका मतलब अलॉटमेंट फेल हुआ 100 शेयर्स का, फाइनल कॉल फेल हुआ दोनों मिलके 300 शेयर्स का। ठीक है, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा पाने का एंट्री करेंगे 10 लाख इक्विटी शेयर का 4 करके 40 लाख रुपीज। एंट्री क्या होगा? देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ₹40 लाख being application money on 10 lakh equity share at the rate 4 each received। हो गया। फिर इस पैसा को कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 40 लाख being application money on 10 lakh equity share at the rate 4 each transferred to equity share capital account as per board's resolution number ... dated ... हो गया खत्म। अब अलॉटमेंट का पैसा पहले कैपिटल और प्रीमियम में डालेंगे। एंट्री क्या करेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सेम 40 लाख, 10 लाख शेयर का 4 रुपीज करके, इसमें से 2 रुपया कैपिटल में डालेंगे और 2 रुपया करके प्रीमियम में डालेंगे तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20 लाख, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 20 लाख। ओके, बीइंग allotment money on 10 lakh equity share at the rate 4 each including premium बोला, being allotment money on 10 lakh equity share at the rate 4 each including premium ₹2 per share due and transferred to equity share capital account एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर ... डेटेड . अब जब पैसा पाने का बारी आया तो सब लोग पैसा दिया, लेकिन एक जन 100 शेयर का 4 रुपीज करके 100 शेयर का 4 रुपीज करके 400 नहीं मिला तो कितना मिलेगा? देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट 40 लाख पाना था, 400 नहीं मिला तो 39,99,600, ठीक है, 39,99,600। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितना 400 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40 लाख बीइंग allotment money on 10 lakh equity share at the rate 4H received except 100 shares। ठीक है, हो गया क्लियर, समझ में आया? एक कहां तक का एंट्री हो गया? अलॉटमेंट तक का। अब फाइनल कॉल का पैसा फिर कैपिटल में डालेंगे तब पैसा मंगाएंगे। एंट्री क्या करेंगे? देखिए इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल मनी ऑन 10 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 4H ड्यू एंड ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर ... डेटेड ... हो गया। अब जब पैसा पाने का बारी आया तो फिर सारा लोग पैसा दिया, लेकिन अब की बार 200 और 100 300 शेयर का पैसा 4 रुपया करके 1200 रुपया नहीं मिला, 1200। तो कितना मिला? देखिए बैंक अकाउंट डेबिट 39,98,800 क्योंकि 1200 नहीं मिला। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 1,200, दिख रहा है, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 40 लाख बीइंग फाइनल कॉल मनी ऑन 10 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 4H रिसीव्ड एक्सेप्ट 300 शेयर्स। हो गया ये फाइनल कॉल तक का क्लियर। कंपनी क्या किया? दोनों लोग का शेयर जब्त कर लिया। दोनों लोग का मतलब टोटल 300 शेयर जब्त कर लिया। तो 300 शेयर का कैपिटल का कितना डाले थे? 10 रुपए करके 10 रुपीज करके कैपिटल में ट्रांसफर किए थे, निकाल लेंगे। तो एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 शेयर का 10 रुपीज करके 3000। ध्यान से समझिएगा, ये क्लियर। कैपिटल से निकाल लेंगे। पहले भी हम समझाए थे कि यदि प्रीमियम बाकी रहेगा तब प्रीमियम से निकालेंगे। तो यहां पे प्रीमियम बाकी है। प्रीमियम का कौन पैसा बाकी लगाया? सिर्फ 100 शेयर। ये 200 शेयर खाली फाइनल कॉल फेल किया मतलब प्रीमियम दे दिया, उसमें कोई झमेला नहीं है। ड्यू किसका है? ये 100 शेयर। अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया, और ये अलॉटमेंट नहीं दिया मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया। तो 100 शेयर का 2 रुपया करके 200 रुपया प्रीमियम का नहीं मिला तो प्रीमियम से निकाल लेंगे। तो प्रीमियम में पैसा डाले थे तो देखिए क्रेडिट किए थे, अभी निकाल लेंगे तो डेबिट करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना 200। एकदम क्लियर, समझ में आया? 200 कैसे हुआ? जब पैसा ड्यू लगा था तो कॉल्स इन एरियर को डेबिट किए थे। देखिए कॉल्स इन एरियर 400 इधर, 1200 इधर, 1600 टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट 1600, ठीक है। तो जितना मिल गया टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 3200 में से 1600 गया तो कितना 1600 बीइंग 300 इक्विटी शेयर एट द रेट 10H फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर ... डेटेड . हो गया क्लियर। ये सारा शेयर को बेच दिए, कितना करके बोला 9 करके, 300 शेयर को बेच दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2700 9 रुपीज करके, 1 रुपीज करके लॉस हो गया। तो प्रॉफिट हुआ था तो फॉरफीचर में डाले थे, लॉस हुआ तो फॉरफीचर से निकाल लेंगे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 300 1 रुपीज करके 300 शेयर का 300, फिर से कैपिटल में पैसा डाल देंगे। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3000 being 300 forfeited share at the rate 10 each reissued at the rate 9 per share। क्लियर हो गया। लास्ट एंट्री क्या करते हैं हम लोग, देखिए शेयर forfeiture अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहां पे देखिए 1600 फॉरफीचर में डाले थे, पूरा शेयर बेच दिए है ना, तो पूरा बेच देंगे तो कोई झमेला नहीं, सिंपल करेंगे, जिसमें से 300 वापस निकाल लिए, 1300 अभी भी पड़ा हुआ है। बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व।